नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा, आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव। नमस्कार, दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं वीरेंद्र कुमार। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज की दो बड़ी स्टोरी है, डेरिवेटिव एक्सपायरी सितंबर सीरीज की, और साथ ही साथ कल विश्व बाजार में कैसी उठापटक हुई जिसका अंदाजा किसी को नहीं था, और वो था ओपेक का निर्णय उत्पादन घटाने का। क्या है ये एग्जैक्टली निर्णय, इसके इंपैक्ट क्या होंगे फाइनेंशियल मार्केट्स पे और दूसरे मार्केट्स पे, ये समझते हैं। शुरुआत करते हैं एसएस निफ्टी से, और साथ ही साथ ये भी देख लेते हैं कि इस चीज को वर्ल्ड मार्केट्स ने कैसे, अगर आप देखें एग्जैक्टली बताया, चाहे वॉल स्ट्रीट हो, रेस्ट ऑफ एशिया हो, यूरोपियन मार्केट्स और इंडियन मार्केट्स आपकी स्क्रीन पे ही हैं। हालांकि देखिए, मैं पहले फूड फैक्टर पर थोड़ा सा ज्यादा बात करता हूँ। हमारे साथ मिस्टर नरेंद्र तनेजा हैं इस वक्त। नरेंद्र जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। सर, वाकई फ्रेंकली स्पीकिंग, ओपेक के इस निर्णय से शायद पूरा मार्केट, इंडियन मार्केट्स या फिर पूरा अगर आप देखें विश्व बाजार चौंक गया। एग्जैक्टली आपको सर इस बात का आभास था कि ओपेक ऐसा कोई निर्णय ले लेगा? नहीं, मुझे लगता नहीं था कि इस तरह का निर्णय ले पाएंगे, क्योंकि ईरान और सऊदी अरब में डिफरेंसेस बहुत गंभीर थे। लेकिन जब ये निर्णय लिया है, इसमें दो बड़ी चीजें निकल के आती हैं। एक तो ये है कि सऊदी अरब जो है वो बाजार का मैनेजमेंट दोबारा करना चाहता है, और उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है, मतलब थोड़ा सा जो है वो पीछे हटने को तैयार है जो वो हटा है। जैसे ईरान के मसले पे, ईरान अपनी स्टैंड से नहीं हटा, क्योंकि इस प्रोडक्शन कट में ईरान को शामिल नहीं करा गया है, ईरान को कंसेशन दे दिया गया है। और दूसरी बात, कई और कंट्रियों की जो प्रोडक्शन कौन कितना कितना काटेगा वो भी नवंबर की बैठक तक उसको भी टाल दिया गया है। लेकिन जो बाजार के लिए जो इंटरेस्टिंग न्यूज ये है कि पहली बार ओपेक इस तरह के फैसले पर तैयार हो गया, और इसका मतलब ये हुआ कि एक तो ओपेक पहले से द्वारा थोड़ा सा मजबूती उसमें आना शुरू हो जाएगी, दूसरी है कि बाजार में अब ये रहेगा खतरा कि ठीक है, अभी जो प्रोडक्शन कट है बहुत सीमित है, वो लगभग 8 लाख बैरल तक है, लेकिन अगर आवश्यकता होती है तो ये देश आपस में मिलकर इसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन मैं अभी बहुत ज्यादा इसमें रीड नहीं करूंगा, और देखेंगे कि बाजार किस तरह से आने वाले समय में इसको रिएक्ट करता है। और क्योंकि ओपेक के जो फंडामेंटल डिविजन है वो बरकरार है, फैसला जो हो पाया वो इसलिए क्योंकि सऊदी अरब जो है उसने अपना कंसेशन दिया, ज्यादातर प्रोडक्शन कट वो सऊदी अरब की तरीके तरह से ही होगा। और दूसरी बात ये देखना होगा जो नॉन ओपेक कंट्री है, जो लगभग दुनिया का 60% तेल का प्रोडक्शन करते हैं, कि उनका रवैया इसको कुल मिला के क्या होता है। सबसे बड़ी चीज वो ये कि डिमांड एंड सप्लाई जो फंडामेंटल है, क्या उनके ऊपर कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है? लेकिन पॉलिटिकली स्पीकिंग और ओपेक के हिसाब से एक बड़ा फैसला बाजार में दोबारा ये आ गया कि ओपेक अगर चाहे तो बाजार को इम्पैक्ट कर सकता है, एक बार इनमें फिर यूनिटी का वापस आना। तो ये कुल मिलाकर के आने वाले बाजार के जो ऑयल जो मार्केट है उसमें एक नया एलिमेंट अब शामिल हो चुका है, और ये कहीं ना कहीं जाकर के एक रोल प्ले करेगा। जी मिस्टर तनेजा, इनफैक्ट इराक के ऑयल मिनिस्टर ने ये भी कहा है कि नवंबर में वो डिसाइड करेंगे कि जो लेंथ ऑफ फ्रीज होगा वो कितना होगा। 6 मंथ्स टू 1 ईयर तक का प्रपोजल यहाँ पर रखा गया है। तो जो आपने कहा कि नया एलिमेंट अब ऐड हो गया क्रूड मार्केट में, इस नए एलिमेंट की वजह से, प्लस अगर 6 मंथ्स टू 1 ईयर तक का फ्रीज लगता है, तो इस 6 मंथ से 1 ईयर के दौरान प्राइसेस का ट्रेंड कैसा रहेगा, कितना सर्ज कर सकते हैं? मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा प्राइसेस के अंदर, अगर कोई और फैक्टर जियोपॉलिटिक्स का हो जाए या कोई आईसिस या टेररिस्ट हमला हो जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो जो प्राइसेस के ऊपर असर आना है वो मार्जिनल होगा। मार्जिनल का मतलब ये है कि लगभग 3% से लेकर के और 7%, मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा होगा, क्योंकि डिफरेंसेस बरकरार है। इराक जो है एक तरह से असहमति दिखा रहा है, ईरान ने तो मना ही कर दिया, तो उनको एग्जेम्पशन दिया गया जो बहुत बड़ी बात है, जिसके लिए अंदर से ही सऊदी अरब बिल्कुल तैयार नहीं था और ना कभी होगा। और दूसरी बात यह कि अगर ईरान को एग्जेम्पशन मिलता है तो दूसरे देश कहेंगे हमको क्यों नहीं मिलता, खासतौर से वो वेनेजुएला वगैरह जो है। तो मुझे लगता है कि ये जो फैसला करा गया कल, ये बेसिकली सऊदी अरब ने ये इम्पोज किया है, सिर्फ इसलिए इम्पोज किया दिखाने के लिए कि ओपेक अभी शक्ति है और सऊदी अरब जो है उसके अंदर वही मुख्य भूमिका निभाएगा। अब सऊदी अरब की मुख्य भूमिका को इराक स्वीकार करता है, ईरान स्वीकार करता है या नहीं करता, ओमान भी करता है या नहीं करता, यूएई कब तक करता है, ये भी बहुत सारे फैक्टर है। तो इसको मैं ठीक है, ये सरप्राइज एलिमेंट मार्केट में आ गया, लेकिन इसका इम्पैक्ट कितना होगा इसका थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, और नवंबर की बैठक में जो डिटेल्स निकल के आते हैं उसका इंतजार करना पड़ेगा। और फ्रीज जो लिमिटेड पीरियड के लिए रखा गया है, अब ये देखना होगा ये लिमिटेड पीरियड के लिए क्या इसके आगे भी सऊदी अरब जो है वो आपके प्रोडक्शन कट के लिए तैयार है, और रशिया का रवैया कुल मिलाकर के क्या होता है। और अगर इस प्रोडक्शन कट के अनाउंसमेंट के बाद, तनेजा साहब मैं यही पूछना चाह रहा था आपसे, इनफैक्ट रशिया का रुख क्या होगा, और साथ ही साथ सर ये ईरान जिसको हम एक बहुत बड़ी फोर्स मान रहे थे, उसके व्यू का क्या होगा सर अगले 6 महीने में? एग्जैक्टली उसके व्यू पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं, ईरान तो अपना प्रोडक्शन बढ़ाएगा। ईरान जो है अब ये मान लिया 8 लाख आपने बैरल काटा,
और अगर ईरान अपना प्रोडक्शन मान लिया 2 लाख बैरल भी बढ़ा देता या 2.5 भी बढ़ा देता आने वाले 4 महीने के अंदर, तो काफी हद तक उसका इम्पैक्ट जो है वो 50% ज्यादा तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और उसके बाद ईरान जो है वो प्रोडक्शन कट को राजी नहीं होगा। तो इसलिए ये अगर इस अनाउंसमेंट के बाद भी कीमतों में बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता, 3% या 2% ही पड़ता है, इससे ज्यादा नहीं जाता, 5 क्रॉस नहीं करता सस्टेनेबल बेसिस पे, तो फिर तो ओपेक की जो और कमजोरी जाहिर हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि आने वाले अभी 10 दिन हमको देखना पड़ेगा, लेकिन ये सिर्फ जो है ये टोकन अनाउंसमेंट दिखाने के लिए कि ओपेक बाजार में वापस आ गया, ओपेक द्वारा इसके दांत वापस आ रहे हैं शेयर के, ये शेयर अभी बूढ़ा नहीं हुआ है और इसमें अभी ताकत, ये दिखाना है। अब वास्तव में असली क्या होता है वो नवंबर में जाके पता लगेगा। जी शुक्रिया मिस्टर तनेजा बातचीत करने के लिए, जी बिजनेस और अपने व्यू शेयर करने के लिए। तो मिस्टर तनेजा ये मानते हैं कि प्राइसेस पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट वो नहीं देख रहे हैं, शायद मौजूदा लेवल से 3-7% तक का सर्ज क्रूड प्राइसेस में दिखे, लेकिन इस फैसले का या फिर इस डेवलपमेंट का यूएस मार्केट्स पर क्या असर हुआ है वो जान लेते हैं। रजत हमारे साथ मौजूद भी हैं। गुड मॉर्निंग रजत। रजत, जो ओपेक का डिसीजन आया उसके बाद यूएस मार्केट्स में क्या रुझान दिखा और साथ ही यूरोपियन मार्केट्स, कल हम डॉयशे बैंक की बात कर भी रहे थे कि जर्मन सरकार अब उसको बचाने के लिए आगे आई है, यूरोपियन मार्केट्स का ट्रेंड कैसा दिखा और सभी एशियन मार्केट्स अभी कैसा बिहेव कर रहे हैं? पॉजिटिव, बिल्कुल पॉजिटिव एक ही शब्द डिवाइन करने के लिए, सभी एशियन मार्केट्स अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी है और ये एकदम से अचानक फैसला है। देखिए ओवरनाइट इवेंट है जिसका असर जो है वो इंडियन मार्केट्स पर डेफिनेटली आता हुआ नजर आएगा। सभी एशियन मार्केट्स हरे निशान में कामकाज करें, निके में 1% ज्यादा की तेजी है, हैंग सेंग कॉस्पी जैसे इंडेक्स जो है वो हरे निशान में कामकाज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली और कार्ड से कि आज जो ओपनिंग है एटलीस्ट वो मार्केट्स की पॉजिटिव टेरिटरी में होगी, उसके बाद की वायदा एक्सपायरी तो कहीं ना कहीं उसको भी कंसिडर करना होगा। लेकिन तेजी बनी अमेरिकन मार्केट्स पे भी, कल के सत्र में जैसे ही अनाउंसमेंट आई उसके बाद निश्चित रूप से बहुत स्ट्रांगली तेज होते हुए नजर आए। डाउ जोन्स 110 पॉइंट्स उछलकर बंद हुआ, एक्जन मोबाइल जैसे जो स्टॉक्स थे वहां पर तेजी देखने को मिली और साफ तौर पर एनर्जी स्टॉक्स जो थे वो लाइमलाइट में थे ओपेक के फैसले के बाद, एक स्ट्रांग तेजी इन स्टॉक्स पर बनती हुई नजर आई और तीनों ही अमेरिकन इंडाइसेस हरे निशान में क्लोज हुए। यूरोपियन मार्केट्स पहले क्लोज हो गए थे, जैसे आपने बताया कि जो मेजर फोकस था वो था डॉयश बैंक के शेयर पर, कल इंट्राडे पर्सपेक्टिव से उछला 2% के आसपास की बढ़त इंट्राडे लो से इस स्टॉक ने यहां पर दिखाई, ऑल टाइम लो से दिखाई है। इनफैक्ट जो आप बोल रहे हैं कि सरकार मदद करने के लिए तैयार हो गई है, डॉयश बैंक में अगर कोई दिक्कत होती है या फिर वर्स्ट सिचुएशन होती है तो उसके शेयर खरीदने के लिए भी तैयार है, तो वो एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर था जो डॉयश बैंक को रूल कर रहा था और निश्चित रूप से एक स्मार्ट रिकवरी स्टॉक पर आती हुई नजर आई। यूरोपियन मार्केट्स की भी क्लोजिंग पॉजिटिव टेरिटरी में थी, तो कह सकते हैं इंटरनेशनल क्यूज आज सपोर्टिव हैं जिसका असर इंडियन मार्केट्स पे देखेगा एसएक्स 40 पॉइंट ऊपर। शुक्रिया रजत आपका। तो आज एक्सपायरी का दिन और एक्सपायरी के दिन से ठीक पहले जो संकेत है वीरेंद्र वो पॉजिटिव है, एसएक्स निफ्टी भी डे हाई पर है, कल भी इंडियन मार्केट्स अपने रेंज के ऊपरी स्तर पर बंद हुए थे और बैंक्स की ओर से सपोर्ट आया था। ठीक है दीपाली, कल शॉर्ट कवरिंग थी और याद रखिए एक चीज जो आपके स्क्रीन पर है आज वो है क्रूड, वो है एसएक्स निफ्टी। देखिए ये एक नया एलिमेंट है बाजार को इसे पहचाने में, इस पर रिएक्ट करने में, ये आप बहुत शुरुआती रिएक्शन देख रहे हैं स्क्रीन पर, तो इसके साथ आप भावनाओं पर मत भेजिए। मैं डेरिवेटिव्स के आंकड़े आपको बताऊंगा, रोलोगा के आंकड़े आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मिस्टर विवेक कर्वा हमारे साथ हैं बात करने के लिए। विवेक गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। विवेक आपकी अप्रोच क्या रहेगी, आई मीन आप देखिए जिस प्रकार का बाजार का बिहेवियर रहा पिछले एक महीने का, हायर लेवल्स को ना सस्टेन करना, लिक्विडिटी एफआईएस की जो थी वो धीरे धीरे अगर आप देखें ड्राई हो रही थी, they were going short on index futures, they were accumulating put options, call writers काफी severe थे वो, and suddenly you have this crude factor. तो बाजार कैसे react करेगा आपको लगता है इस midterm में इसके बाद? midterm में मुझे लग रहा है कि बाजार थोड़ा positive रहेगा। अभी इसमें 2-3 विषय है, आपने जैसे बोला था FIIs का flow जो drive हो रहा है उसके भी कई कारण है, अपने जर्मनी में देख रहे हैं क्या हो रहा है और यूरोप में चांसेस है कि फ्यूचर में 1-2 बैंक का केसेस और खड़ा हो जहाँ पे प्रॉब्लम्स बड़ी हो, और यूएस में अभी इलेक्शंस आने वाले अगले महीने मतलब नवंबर में, तो उसका एक अनसर्टेनिटी वापस रहने वाली है, और इंडिया में भी बड़े बड़े आईपीओ आ गए थे करीबन, अगर समझ लो आप 63,500 करोड़ एक आईपीओ अगर इकट्ठा कर लेता है तो वो अभी पैसा वापस आने लग गया है और ज्यादातर लोगों के पास आ भी गया होगा, तो वो वापस लिक्विडिटी मार्केट में आ रही है, तो इसके कारण हो सकता है कि थोड़ा पॉजिटिव रहे। बट मेरे हिसाब से दिवाली के बाद में थोड़ा मतलब एक वॉलेटिलिटी देखना अभी ड्यू है, काफी ड्यू है, और एटलीस्ट से 7-10% तक का करेक्शन भी एक मार्केट में ड्यू है, तो वो कभी भी आ सकता है। और ऑफकोर्स जब सब लोग बोल रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा उस वक्त आएगा ये, तो अभी कॉशियस है लोग, तो मार्केट ऊपर जाएगा थोड़े दिन में, हो सकता है करेक्शन आए, और अगर वैसा कोई भी डिप मिलता है तो वो होगा एक अपॉर्चुनिटी टू बाय। जी लेकिन डेरिवेटिव डेटा को फटाफट से समझ लेते हैं कि आज एक्सपायरी कहाँ होने की प्रोबेबिलिटी नजर आ रही है, कल की डेवलपमेंट्स को ध्यान में रखते हुए क्या इंडिकेशंस मिल रही हैं वीरेंद्र? तो देखिए कल हम नेगेटिव थे और ऑलमोस्ट हम देखिए 86.50 की ट्रैजेक्टरी की बात करते हैं, फ्रेंकली स्पीकिंग मैं बताऊँ आपको, मैं 86.50 की बात कर रहा था,
कल हुआ क्या, 87 मार्केट होल्ड कर गया। देखिए कल और आज में मैं इस 30 अंकों की तेजी को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहा हूँ, फ्रेंकली स्पीकिंग। मैं सिर्फ कल और आज में मैं ये बात कह रहा हूँ कि मैं कल 86.50 की बात कर रहा था और आज में ये हो गया है कि 87 बाजार ने नहीं तोड़ा, कि बाजार अब रेंज को रिस्पेक्ट दे रहा है, बाजार निचली रेंज को तोड़ने को फॉर द टाइमिंग तैयार नहीं है। और देखिए अब जो है ना, निचली रेंज चाहे टूटे या फिर ऊपरी रेंज 88.40 या फिर 88.50 टूटे, ये तय होगा अगली सीरीज के यानी शुक्रवार सोमवार या फिर मंगलवार के बीच में, ये तो तभी तय होगा, फॉर द टाइमिंग तो तय नहीं होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं दीपाली, अभी SGX की 38 अंकों की मजबूती और FIs के आंकड़े, उसमें कोई तालमेल नहीं है, फ्रेंकली स्पीकिंग। अब देखिए उनकी तरफ से 1338 करोड़ रुपये की खरीदारी थी वायदा कारोबार में। जरा आप सीधे सेगमेंट वाइज आ जाइए, देखिए इंडेक्स में उन्होंने थोड़ा सा लॉन्ग किया है, नो डाउट, लेकिन मैं थोड़ा सा उनका जो रुझान है ना दीपाली कॉल राइटिंग को लेकर, उससे थोड़ा सा परेशान हूँ। तो 88.40, 88.60 और 8900 याद रखिए, जिस प्रकार की कॉल राइटिंग हुई है FIs की तरफ से, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन रहेगा। सो आप अगर लॉन्ग हैं, नो डाउट लॉन्ग रहिए, आपका मत है, लेकिन ये एक सप्लाई जोन रहेगा और जब हम इस पर जाएंगे यहाँ से सप्लाई आएगी। आप पुट्स पे आ जाइए, नो डाउट कल अगर आप देखें पुट्स पे राइटिंग हुई, 8700 की पुट्स में राइटिंग हुई, तो लग रहा है कि 8700 को मार्केट रिस्पेक्ट दे रहा है। अक्टूबर में भी 8700 की पुट में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग हुआ है। तो मैं कल एक चक्कर में अगर आप देखें तो 86.50 की बात कर रहा था, मुझे लग रहा था जिस प्रकार से चार्ट झूले हैं ना, ये जाके 50 डेमा को जरूर रिविजिट करेंगे, 50 डेमा 8650 के आसपास है, लेकिन वो कल नहीं हुआ। तो कल और आज में यही अंतर है कि कल हम निचली रेंज टूटने की एक्सपेक्टेशन जाहिर कर रहे थे लेकिन वो नहीं टूटी, तो अभी मार्केट रेंज बाउंड है। लेकिन इन आंकड़ों के अनुसार दीपाली, अभी भी मार्केट 87 और 8840 8850 क्लस्टर के बीच में है, आइदर साइड ब्रेकआउट ब्रेकडाउन एक बड़ा स्विंग डेफिनेटली देगा। रोल ओवर के आंकड़ों के बारे में मैं विस्तार से कुछ देर बाद चर्चा कर लूंगा, लेकिन निफ्टी में ऑलमोस्ट 50% रोल ओवर हुए हैं, ये स्टैटिस्टिक्स आपके स्क्रीन पर हैं। बिल्कुल, एक बार फटाफट से जी बिजनेस का पोल भी देख लेते हैं, एक्सपायरी को ध्यान में रखते हुए क्या सोच है ब्रोकर्स की, आज के लेवल्स पर एक्सपायरी हो सकती है। हालांकि एक अच्छा इंडिकेशन हमने कल देखा था, स्पेशली सेकंड हाफ में 60% जानकार मानते हैं 8650 से 8750 की रेंज में एक्सपायरी हो सकती है, यानी जिन लेवल्स पर कल मार्केट्स क्लोज हुए उसी के आसपास क्लोज होने की प्रोबेबिलिटी है। 23% जानकार मानते हैं 8850 के बियॉन्ड भी जा सकती है मार्केट्स की क्लोजिंग।